महानगर में धनतेरस की खरीदारी के लिए सोमवार को बाजार में धूम मची हुई है। शहर में दुकानदार अपनी दुकानों को सजाने में सुबह से ही लगे हुए थे। शाम होते होते ग्राहक धनतेरस की खरीदारी करने के लिए बाजार में उमड़ पड़े। मान्यता है कि धनतेरस के दिन फूल, पीतल, कांसे, स्टील के बर्तनों, लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा, मिठाई, लाई, बतासे सहित घर की साज सज्जा के लिए विभिन्न प्रकार के सामानों की खरीदारी की जाती है। शाम को पूजा अर्चना करने के बाद उसका इस्तेमाल किया जाता है। बाजार में इस बार स्वास्थ्य के प्रति नागरिकों में जागरूकता देखने को मिली। स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ग्राहकों में फूल, पीतल, कांसे के बर्तनों की खरीदारी के लिए उत्सुकता दिखी। साथ ही साथ स्टील के बने नए डिजाइनदार बर्तनों की भी खूब खरीदारी हुई। लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा खरीदने के लिए ग्राहक दुकानदारों से मोल भाव भी किए। कुछ ग्राहकों को बाजार में सामान महंगे लगे तो कुछ ने महंगाई को सामान्य बताया। मिट्टी के बने खूबसूरत रंग बिरंगे सजावट के सामानों की खरीदारी भी जमकर हुई। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए ग्राहक और दुकानदारों ने कहा, भैया हेलो विजय कुमार गुप्ता जी जी। किस तरह की बर्तन डिमांड डिमांड चलेगा अभी 4:30 बज रहा है, 6 बजे से और तेज चलता है। डिमांड सब स्टील बर्तन ज़्यादा है, तासर चलता है, लगन है नहीं अब की साल कम चल रहा है जी। दीपावली अच्छी रहेगी, आज दिन बढ़िया है और कस्टमर अच्छे रहेंगे। अजय कुमार गुप्ता, हमेशा की तरह है, अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। कस्टमर खूब जम के खरीदारी कर रहे हैं, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। महंगाई का कोई विशेष असर नहीं है और नया आइटम लेने के लिए हर ग्राहक तैयार है।
क्या नया है आपके? नया में जैसे आजकल फूल पीतल कांसे के बर्तन में लोगों का ज़्यादा ट्रेंड हो गया है, वो ज़्यादा लोग उसको ले रहे हैं, उसके प्रति ज़्यादा जागरूक हुए हैं लोग, उसमें खाना खाने से उनको जो फ़ायदा मिलता है, इसलिए कांसा पीतल वगैरह का बर्तन काफ़ी अच्छा बिक रहा है। और स्टील में भी नया वैरायटी नया डिज़ाइन का ही लोग सामान खरीदना चाहते हैं। बिक्री में कोई असर नहीं है, बिक्री पूरा है, अच्छा है। मेरा नाम दिनेश गुप्ता है सर। किस चीज़ की दुकान लगाते हैं? मैं यहाँ पे सर भूजा मिठाई की दुकान लगाता हूँ, वहाँ धनतेरस से। हाँ, धनतेरस से ही स्टार्ट करते हैं, 3 दिन रहते हैं हम लोग। क्या मार्केट है? ठीक है, ठीक है बाबू। हाँ, अभी तो चालू हुआ है, अभी 5 बजे के बाद तो हम लोग की दुकानदारी होगी, लेकिन ठीक है, पोजीशन ठीक है। कोई जो है पिछले साल के मुकाबले नहीं, ठीक है बाबू। कोई हम लोग अगले साल भी 80 रुपये बेच रहे थे, इस साल भी 80 रुपये बेच रहे हैं। आनंद कुमार। कितने दिन से दुकान लगा रहे हैं? मैं यहाँ आज ही सुबह भोर में लेके आया हूँ दुकान। क्या किस तरह का है सामान आपका? मार्केट पिछले बार से तो थोड़ा है, अच्छा है, मतलब ज़्यादा ग्राहक हैं इस बार। सामान ये किस तरह का है? मिट्टी का है? चिकनी मिट्टी का है, टेराकोटा का सामान है ये। हाँ, अभी तक किस तरह गया? अभी तक तो अच्छा रहा, ठीक ठाक मार्केट रहा है। सौरभ कुमार। और आप किस चीज़ की दुकान लगाते हो? मारा और कपड़े की दुकान लगाते हैं हम। दुकानदारी हमेशा जैसा होता है हर साल वैसा ही हो रहा है इस साल भी। कितने तक के हैं माले और कपड़े? हमारे पास माले लगभग 40 से लगाए 100 के बीच में है। तक अभी तक किस तरह की दीपावली जाएगी? देखा जाए, भगवान का कृपा रहेगा तो अच्छा जाएगा। बेचन कुमार। आप किस चीज़ का लगाते हैं? मूर्ति उर्ति का। ये मूर्तियाँ कहाँ से लाते हैं? लखनऊ से। जी, इस बार का मार्केट कैसा है? इस बार का मार्केट थोड़ा फीका फीका लग रहा है। क्या वजह है? महंगाई है, यही सब है कुछ। ग्राहक काफ़ी बार्गेनिंग कर रहे हैं। जी, कितने दाम तक की मूर्तियाँ हैं आपको? हमारे पास हैं 150, 200, 300, 400 तक की। क्या लग रहा है दीपावली कैसी जाएगी? कुछ अब देखिए क्या जाएगा, वो तो आगे बताया जाएगा कल की डेट में। मैं धनतेरस, उन्हीं की वजह से जो है ये धनतेरस मनाया जाता है, और घर में जो है लोग धनतेरस के दिन बर्तन खरीदते हैं, सोने चांदी का जेवर खरीदते हैं, उसके बाद भगवान की पूजा करते हैं उस बर्तन से, उसके बाद घर में जो है मिठाई खाते हैं, इसीलिए धनतेरस मनाया जाता है। पुण्यात्मा शाही। क्या धनतेरस है, क्या खरीदा है? अभी तो हम आए हैं, मूर्तियों को देख रहे हैं, मूर्तियाँ पसंद भी आ रही हैं, थोड़ी महंगी हैं, लेकिन महंगा होने के बावजूद भी जो पसंद आएगी मूर्ति हम खरीदेंगे। हाँ, खुशी मन से इस बार दीपावली अपनी मनाएंगे, हर साल भी मनाते हैं, तो इससे बढ़िया ही सोच करके धन्वंतरी और कुबेर जी का अपना पूजा करेंगे, लक्ष्मी माता की पूजा करेंगे, और हम यही चाहेंगे कि हमारे साथ साथ पूरे देश की दीपावली सबकी अच्छी हो। मेरा नाम संयोगिता त्रिपाठी। खरीदारी तो जिस तरह की गणेश लक्ष्मी की ज़्यादा चल रही है, और चांदी के सिक्कों की ज़्यादा है। अभी आप क्या खरीदी हैं? अभी हम गणेश लक्ष्मी लेने आए हैं, लेकिन रेट बहुत महंगा बता रहे हैं, बहुत ज़्यादा बता रहे हैं रेट। हाँ हाँ, मोल भाव कर रहे हैं, करना ही है, महंगाई है तो। अनंत राम तिवारी। क्या खरीदा आपने? बर्तन खरीदे, गणेश लक्ष्मी जी को खरीदे, खेल बताशा खरीदे, यही सब खरीदे। हाँ, कैसे मनाएंगे इस बार? अच्छे से मनाएंगे, यह है कि महंगाई थोड़ा बढ़ गई है, तो उतना अच्छे नहीं बना पाएंगे जितना पिछले बार बनाए थे। ज्ञान की त्रिपाठी। बहुत सारे दिए जला के अपना घर रोशनी से भरेंगे, और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट यूज करेंगे, ज़्यादा पटाखे से एयर पोल्यूशन नहीं करेंगे, अच्छे से सावधानी से मनाएंगे। भगवान गुप्ता जी। यही थाली चम्मच कटोरी गिलास यही ले रहे हैं। मतलब नहीं बता पाएंगे, लेकिन यह है कि धनतेरस के दिन लोग खरीदते हैं, मैं भी खरीद रहा हूँ। खुशी से मनाएंगे, खुशहाली के साथ, सब जितना है उतने में सब खुशी से मनाएंगे। ठीक है, अब सब ठीक है, हमारे लिए तो ठीक है भाई, अब सबके लिए तो नहीं बता पाएंगे।
भाई हम नौकरी करते हैं इसलिए दो पैसा मिलता है तो हम ठीक हैं, और बाकी लोगों के लिए हम नहीं बता पाएंगे। सुना ना जसपाल, झाड़ू खरीदा, भगवान जी का वस्त्र खरीदा है, शाम को पूजा पाठ करेंगे हम लोग, मिठाइयाँ खाएंगे। इस बार जो मार्केट है, जो है मिट्टी के बर्तनों का बहुत अच्छा लग रहा है, नया आइटम आया है मार्केट में, आकर्षित कर रहा है बहुत बहुत ज़्यादा। कोशिश तो है, देखते हैं आगे।